नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग स्टॉक के बारे में। सुबह सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग पर आज एक बड़ी गिरावट फिर से नज़र आई है। गिरावट दोस्तों टोटल मार्केट पे नज़र आई है, सालासर टेक्नो पे कोई स्पेशली गिरावट नहीं हुई है। फिलहाल पैनिक ना हो। सबसे बढ़िया जो कॉन्सेप्ट अभी के टाइम अगला क्या होने वाला है वो भी आप लोग को क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही साथ अब इस स्टॉक के अगले टारगेट्स पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, क्योंकि आज दोस्तों कहीं ना कहीं जो भारतीय बाज़ारों में गिरावट नज़र आई है तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मायने रखने हुई कल देखने को मार्केट पे नज़र आएगी। प्राइस के रूप में अगर बात की जाए तो 1905 पैसे की आज की क्लोजिंग रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों अभी इस स्टॉक पर जो लगातार गिरावट का जो माहौल था वो भी काफ़ी हाई नज़र आया, पर कुछ से टाइम में अगर देखा जाए तो पिछले लंबे समय से मार्केट में यहाँ पे रिवर्सल भी नज़र आया था, पर लास्ट एक महीने की अगर बात की जाए तो कंटिन्यूसली गिरावट नज़र आई है। फिलहाल कंपनी दोस्तों ASM लिस्ट पर देखने को मिल रही है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं कंपनी लगातार दोस्तों गिरावट पर जो है बढ़ती हुई दिन प्रतिदिन नज़र आ रही है। क्योंकि अभी के लिए कहीं ना कहीं दोस्तों जो कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स के आसपास कंपनी को दोस्तों ASM लिस्ट के अंदर डाला गया था, उसके बाद अभी तक दोस्तों कंपनी ASM लिस्ट से बाहर नहीं निकली है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट पर जो देखने को मिल रहा है वो वीक देखने को मिल रहा है, और इसी के चलते कहीं ना कहीं मार्केट पर गिरावट नज़र आ रही है। फिलहाल कंपनी का दोस्तों जो मुख्यतः जो बिज़नेस देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो लगातार जो मुख्य संरचनाएँ देखने को मिल रही है तो उसमें दूर संचार जो टावर है वो मुख्य भूमिका होने वाली है। प्री फेब्रिकेटेड बिल्डिंग कंपनी बनाने का कार्य कर रही है। रेलवे विद्युतीकरण के लिए EPC परियोजनाएं बनाती है। ट्रांसमिशन लाइनों के लिए दोस्तों EPC परियोजनाएं और भवन पुल बनाने का कार्य कर रही है। तो दोस्तों कंपनी में अभी के लिए कहीं ना कहीं जो सबसे अपॉर्चुनिटी जो गोल्डन नज़र आ सकती है, जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी नज़र आ सकती है वो नज़र आ सकती है दोस्तों दूर संचार टावर। रीज़न क्या होने वाला है कि दोस्तों 5G से रिलेटेड अभी के लिए कहीं ना कहीं जो है 5G नेटवर्क को लेकर अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है डिमांड मार्केट में बढ़ रही है, और कंपनियां दोस्तों अभी के लिए जो है 6 जून को यानी कि दोस्तों जो नेटवर्क अपग्रेड करने को लेकर दोस्तों 6 जून को टेलीकॉम विभाग की तरफ से दोस्तों बोली लगाई जाएगी कंपनियों के द्वारा। तो वो चीज़ दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनियां दोस्तों जो है टेलीकॉम कंपनियां अपना जो प्रोजेक्ट है वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनियों को सेंड करने वाली है, शेयर करने वाली है। तो वो दोस्तों अभी के लिए कंपनी उस चीज़ पर भी काफ़ी बढ़िया जो है अपडेट निकल के आ सकती है। तो अभी के लिए कंपनी दोस्तों इस प्रकार 5G में अपने जो इन्वेस्टमेंट का एक बढ़िया मौका है वो नज़र आ सकता है, कंपनी दोस्तों 5G में उतर सकती है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दोस्तों एक्सपर्ट की राय के मुताबिक अगर बात की जाए तो वो नज़र आ सकती है। पर दोस्तों अभी कंपनी दोस्तों जो दूरसंचार टावर्स पर कार्य कर रही है अब तक 50,000 प्लस जो है वो यहाँ पर टावर अप्लाई कर चुकी है, लगा चुकी है, कंपनी कार्य कर चुकी है। तो अभी के लिए यही कॉन्सेप्ट सबसे बढ़िया रहेगा। फिलहाल अब मेन मुद्दे की अगर बात की जाए कि दोस्तों जो मार्केट में वर्तमान टाइम गिरावट नज़र आ रही है, भारी क्रेश नज़र आ रहा है, तो उसमें दोस्तों कितने उतार चढ़ाव नज़र आ सकती है। तो दोस्तों उस चीज़ के कॉन्सेप्ट पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि फिलहाल भारतीय बाजारों का जो कॉन्सेप्ट था वो आज क्लियर इवनिंग लेट नाइट तक हो जाएगा कि दोस्तों कौन सी जो वर्तमान गवर्नमेंट है वही सरकार बनी रहेगी या फिर नई सरकार बनने वाली है। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मायने रखेगी, क्योंकि दोस्तों वर्तमान गवर्नमेंट अगर एक बार फिर से अगर आती है तो मार्केट में दोस्तों बड़ी रैली नज़र आएगी। पर दोस्तों अगर गवर्नमेंट अगर चेंज होती है तो फिर दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों एक थोड़ा लंबा वक्त गुजर सकता है, और फिर दोस्तों जो है कंपनियों में वापस रिवर्सल, मार्केट में जो रिवर्सल है वो लंबे वक्त के बाद नज़र आ सकता है, मिनिमम 2 से 3 महीने के बाद नज़र आ सकता है। पर कंपनियाँ दोस्तों अभी के लिए वही देखने को मिल रहा है कि दोस्तों जो कॉन्सेप्ट था वही मार्केट का अभी के लिए नज़र आ रहा है। अभी के टाइम इस स्टॉक पर ऑपरेटर्स का जो ट्रैप है वो काफ़ी हाई नज़र आ रहा है, तो उस चीज़ से दोस्तों थोड़ा सा पैनिक ना हो, कहीं ना लगातार जो है उतार चढ़ाव भी नजर आएंगे, इस प्रकार दोस्तों जो गिरावट है वो भी नजर आएगी। तो अभी के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो यही देखने को मिल रहा है कि लगातार जो गिरावट थी वो रिकवर जल्द हो जाएगी, और मार्केट का जो रिकवरी का जो रिटर्न है वो यहाँ पे पॉजिटिव नजर आ जाएगा। तो जितना हो सके थोड़ा सा होल्ड रखा जाए, लगातार जो उतार चढ़ाव है वो यहाँ पे थोड़े से रिकवर होने में वक्त लग सकता है। पर अभी दोस्तों कल मार्केट में रिवर्सल होने का जो ग्रीन सिग्नल है वो काफ़ी एक्टिव ज़्यादा देखने को नज़र आ रहा है, काफ़ी हाई नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी के टाइम कंपनी के पास दोस्तों जो है मुख्यतः जो ग्राहक होने वाले हैं एयरटेल, डुआईओ, जियो, बजाज, अडानी सोलर, LNT, टाटा प्रोजेक्ट से, जिंदल स्टील एंड पावर, तो ये कहीं ना कहीं कंपनियां अभी के टाइम रहने वाली है। तो इस चीज़ से कंपनी के पास दोस्तों जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी अधिक होने वाले हैं। तो अभी कंपनी दोस्तों जिस प्रकार लास्ट रिजल्ट पर कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ था, पर दोस्तों आगे चलकर कंपनी डिविडेंड बोनस पे आउट कर सकती है और एक अच्छा रिटर्न हमें देखने को नज़र आ सकता है। तो थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए, थोड़ा सा जो है होल्डिंग यहाँ पर
रखा जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी के पास आगे चलकर दोस्तों जो है 30 से 35 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो मिल सकता है कंपनी को, 30 से 35 करोड़ रुपए का पर ईयर दोस्तों जो है टावरों से जो प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यूसली मिल रहा है। तो इस प्रकार कंपनी का जो मोनोफोल है वो यहाँ पे 53 करोड़ के आसपास रहने वाला है। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।